नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है राजस्थान की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें कि जयपुर में उड़ेंगी 25 करोड़ की पतंगे। 40 से 50% तक महंगी हुई पतंग और डोर। कोरोना महामारी में भी संक्रांति का क्रेज। जयपुर में मकर संक्रांति को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। बाजारों में छोटी और बड़ी पतंगों की दुकानें सज कर तैयार है। आपको बता दें कि गुरुवार को बड़ी संख्या में शहरवासी पतंग और मांझा खरीदते नजर आए हैं। पतंग व्यापारियों के अनुसार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद इस बार पतंग और मांझा की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह से इस बार सिर्फ जयपुर में 20 से 25 करोड़ रुपए की पतंग और मांझे की बिक्री की संभावना है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम टले। 17 जनवरी से शुरू होने थे। इधर आपको बता दें कि खाटू श्याम जी मंदिर भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। प्रदेश में राजस्थान बोर्ड की 17 जनवरी से शुरू होने जा रहे 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम को आगामी आदेश तक टाल दिया गया है। दरअसल कोरोना की रफ्तार तेजी से फैल रही है और कई जिलों में संक्रमण दर 10 से ऊपर पहुंच गई है। इसी वजह से ये कड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कला ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी देते हुए कहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में 25 जिले रेड जोन में है। इन परिस्थितियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मावठ से राहत। ओलावृष्टि से 70,000 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बारिश से 45 लाख हेक्टेयर में 15% से ज्यादा होगी पैदावार। प्रदेश में बीते दिनों ओलावृष्टि और बारिश दोनों का असर रहा है। ओलावृष्टि से कुछ जगहों पर फसलों का नुकसान हुआ है, लेकिन वर्षों बाद हुई अच्छी मावठ ने किसानों को खुश कर दिया है। कृषि विभाग के विशेषज्ञों से लेकर किसान संगठनों तक का यही कहना है कि मौसम चक्र में हुए इस बदलाव से किसानों का नुकसान कम और फायदा ज्यादा हुआ है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक राम गोपाल शर्मा का कहना है कि ओलावृष्टि की वजह से प्रदेश में 70,000 हेक्टेयर में फसलों को नुकसान हुआ है, जबकि मावठ से होने वाला फायदा इससे कहीं ज्यादा है। प्रदेश में इस रबी की सीजन में कुल बुआई 100 लाख हेक्टेयर में की गई। इसमें सबसे करीब 45 लाख हेक्टेयर में अच्छी मावठ हुई है। इस क्षेत्र में फसल की पैदावार करीब 15% बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेपटरी। नई स्कीम से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए 26,983 ने हाँ भरी, पहुंचे मात्र 4,825। अभी स्किल ट्रेनिंग भी जरूरी नहीं। जितने जोर शोर से सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को शुरू किया था, उसे रोजगार विभाग पटरी पर नहीं ला पा रहा है। सरकार करीब 3 साल से प्रदेश के 1.60 लाख युवा बेरोजगारों को भत्ता दे रही थी, लेकिन इसमें 1 जनवरी से रोजाना 4 घंटे का काम और 3 महीने की ट्रेनिंग का क्या जोड़ी बेरोजगारों ने योजना से ही मुंह मोड़ लिया। विभाग से इसे अच्छे से लागू करने में नाकाम रहा है। जहां दिसंबर तक सरकार 1.60 लाख बेरोजगारों को भत्ता दे रही थी, वहीं अब नए नियम लागू करने और विभाग की व्यवस्थाओं से आधे युवा भी नहीं जुड़ रहे हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि पीएम मोदी वीसी विद सीएम अशोक गहलोत। सीएम अशोक गहलोत को नहीं मिला बात रखने का मौका, सोशल मीडिया के जरिए रखी अपनी बात। कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम मोदी ने राज्यों के सीएम से चर्चाओं की। इसी दौरान सीएम अशोक गहलोत को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कुछ सुझाव रखे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने सुझाव में लिखा है कि केंद्र सरकार ने फिलहाल कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज 60 साल से अधिक आयु के को मॉडिट व्यक्तियों को लगाने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक को मॉडिट की स्थिति हर आयु वर्ग में देखने को मिलती है, इसीलिए प्रिकॉशन डोज सभी के लिए उपलब्ध हो। सीएम अशोक गहलोत ने यह बात की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर मौसम अपडेट को लेकर है। तापमान में गिरावट दर, शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट। राजस्थान में ठंड का प्रकोप जारी है। शीतलहर और घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें भीलवाड़ा के अलावा सहजपुर, अजमेर, सीकर, गंगानगर, फतेहपुर, चूरू, पिलानी समेत कई जगहों पर घना कोहरा छाया हुआ है। तेज सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा भी लेते नजर आए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, नहीं बदले पेट्रोल और डीजल के दाम। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल में उतार चढ़ाव के बीच सरकार तेल कंपनियों ने लगातार 71वें दिन पेट्रोल और डीजल की किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, भाजपा सड़क पर दरिंदगी के विरोध में सांसद का कलेक्टर पर प्रदर्शन। मासूम एक बुधीर बालिका के साथ हुई दरिंदगी घटना के विरोध में भाजपाइयों ने कलेक्ट्रेट में प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कोरोना से 7 मौतें, 9,881 नए केस। राजस्थान में 2 सालों में हर 1 मिनट में 1 पॉजिटिव मिल रहा है, हर 2 घंटे में 1 भी मौत। आपको बता दें कि 7 जनवरी को 2 मौतें हुई हैं, 8 जनवरी को 2, 9 जनवरी को 1, 10 जनवरी को 2, 11 जनवरी को 4 मौतें हुई हैं, 12 जनवरी को 3 और 13 जनवरी को 7 मौतें हुई हैं। हालांकि आपको बता दें कि अजमेर जिले में अभी तक 39,425 केस मिल चुके हैं, 411 मौतें हो चुकी हैं। अब बात कर लेते हैं देश के कोरोना वायरस की। आपको बता दें कि कोरोना देश में लहर, तीसरी लहर में पहली बार 1 दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। डेली केस लगातार दूसरे दिन 2 लाख के पार। देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के दौरान गुरुवार को पहली बार ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी 1 लाख के पार पहुंच गया है। हालांकि देश में लगातार 8वें दिन 1 लाख और लगातार दूसरे दिन 2 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना के मिले हैं। गुरुवार को 2,62,000
22 केस मिले हैं, जो पिछले दिन के 2.47 लाख केस से करीब 12,000 कम है। ये थी राजस्थान के आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें।